आज चंडीगढ़ में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हरियाणा की दिग्गज नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने बीजेपी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपने बहुत से समर्थकों को बीजेपी में शामिल करवाया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सरपंचों को एक बड़ी सौगात दी है। बीजेपी में हमेशा ही कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान मिलता है। वहीं उन्होंने हुड्डा परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन बापू बेटे को आईना दिखाना है, ये दोनों भ्रष्ट हैं और जनता के बीच जाकर इनका पर्दाफाश करना है। सारा का सारा संगठन जो है भाजपा का, जिस मान सम्मान के साथ हमारे को लेकर आए, अंतिम क्षण तक मरते दम तक हमने वो काम करना है जो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर रुका पड़ेगा। सैनी साहब, एक ही नारा लगाओ अब भाजपा का, बस मछली की आंख उधर ही, मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ही, समझ गए? चिंता ना करो, हम बहुत समझदार लोग हो, ये बिन्ने जो है आईना दिखाना है। जो बाबू बेटा भ्रष्ट हर तरीके से है या नहीं बताओ, पूरी तरह से है या नहीं, इनको आईना दिखाना है। आज जो है बाबू बेटे के अलावा और तीसरा आदमी को ये जीन कौन दे भाई, कोई और इनने कौन नजर आवे, जानो हो ना तुम सारे के सारे एक एक जिले से जो आए हो, अपना यहाँ से संदेश लेकर जाओ कि